हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 5:30 हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पार्टी में। और ये पार्टी हम सारी लेडीजों की है, जो भी यहाँ पर इंडिया की लेडीजें हैं। तो उन सब ने कहा कि एक पार्टी रख लेते हैं जिससे हम सब लोग मिल लेंगे एक दूसरे से। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी तो नहीं, क्योंकि हर एक लोग वीडियो में आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं बता रही हूँ, अभी अभी हम जाएंगे और फिर मैं मिलती हूँ पार्टी के बाद में आपसे। आ रहे अच्छी लग रही है ना, इसलिए मैंने ली। पसंद है, मैंने इसलिए क्लिक कर लिया था। अच्छा, कर लिया था कि आपने? मैंने नहीं की थी। ये भी अच्छा लग रहा है ना, राजस्थान का ही है देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो सब ठीक होंगे गाइस। तो मैं अभी जा रही हूँ आरतम। तो अभी हम कर रहे हैं टैक्सी का वेट। तो चलो, आपको भी मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना था आरतम से, इसलिए। तो गाइज, अभी मैं आई शादी को देख रही थी, क्योंकि आजकल वे दोनों साथ आ रहे हैं तो मैं लेने नहीं जा रही। तो अभी मैं वही देख रही हूँ कि आ भी रहे हैं क्या। तो सामने से ये अब बर्फ साफ करने के लिए आ गई है मशीन। तो क्योंकि काफी जगह ज्यादा बर्फ हो रखी है, वहां से ही हटा देते हैं, क्योंकि चलने वालों को दिक्कत होती है। और आज तो वैसे भी पानी पानी हो रखा है और साइड में ना बर्फ जमी हुई, इस पे चलने से ना फिसलन बहुत तेज होती है और काफी लोग तो फिसल भी जाते हैं। मेरे को भी बड़ा डर लगता है ऐसे में जाने। मैं बाहर नहीं जा रही आज, क्योंकि साइड में पानी भी होता है फिर आप ना, और कई जगह तो इतनी फिसलन हो जाती है कि आप संभल ही नहीं पाते, फिसलते ही चले जाते हो आगे तक। तो अभी तो आए नहीं बच्चे, वैसे छुट्टी हो गई है बच्चों की, इसलिए ट्रैफिक हो गया है यहाँ पर भी जाम। और इस छत पे ना काफी सारी बर्फ कितनी जमी हुई है, काफी लोग छतों पे से बर्फ भी हटा देते हैं, लेकिन इस छत पे तो काफी जमी हुई है गाइस। और धूप निकली हुई है अच्छी खासी, अच्छा लग रहा है ना, अच्छी खासी धूप निकली हुई है गाइस यहाँ पे। तो ये नमकीन मैंने इंडिया से मंगाई थी, अभी भैया आए थे कोई। और ये फवी क्यों? क्योंकि मेरी मिक्सी है ना, और जो फिरने वाला हैंडल होता है ना, वो फ्री हो गया है, तो उसको चिपकाने के लिए मैंने फेविक्यूब क्यूब मंगाई है। तो गाइस, अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो ये यहाँ पर आरओ लगा हुआ है, तो इसके फिल्टर है ना, तो इसमें लगे हुए गाइस, इसके अंदर है। तो ये सही है, यहाँ का सिस्टम मुझे अच्छा लगता है कि फिल्टर अंदर दिखाई नहीं दे रहे, और रखा ये नल लगा रखा ऊपर, तो इससे पानी आता रहता है। अपनी तो इंडिया में पूरा आरओ फिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का है। तो मैं किसी दिन आपको खोल के दिखाऊंगी इसको। तो ये नीचे इसके आरओ के हैं, जो भी फिल्टर है वो नीचे लगे हुए हैं इसके, और ऐसे पानी वो चेंज करते रहते हैं 6 महीने में। तो यहाँ पर ये अच्छा है, नल टाइप में लगा हुआ है। अपने लिए बना लेती हूँ चाय, क्योंकि 4:15 हो गए हैं, तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो गाइज, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ का समोसा है, इसको समसा बोलते हैं ये लोग। और इसके अंदर पत्ता गोभी भरी हुई है गाइज। ये आलू वाले भी होते हैं, लेकिन आलू वाले इतने टेस्टी नहीं होते, पत्ता गोभी वाले ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो हम लोगों ने काफी बार ट्राई किया है, तो हमें पत्ता गोभी वाले ही अच्छे लगते हैं, आलू वाले इतने अच्छे नहीं लगते।
तो अभी आदित्य स्कूल से आने के बाद में लेके आई है, क्योंकि आज कोई आज इसको यही खाने थे, इसलिए आदित्य आज ये लेके आई है। ये है कि मिर्ची वगैरह कुछ होती नहीं है, बस नॉर्मली होते हैं ये लोग, मिर्ची खाते भी नहीं है ना, तो इसलिए नॉर्मली हैं ये।